नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की प्रमुख खबरों पर। भजनलाल सरकार का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले तोहफा। राज्य सरकार ने 3% डीए की बढ़ोतरी की, अब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% होगा। दीपावली से पूर्व भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की 600 रुपए बढ़ी ग्रेड पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा, बोले पेपर लीक का एक भी अपराधी नहीं बचेगा, युवाओं से धोखा करने वाले जाएंगे जेल। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की घोषणा की, पुराने चेहरे पीछे नए चेहरे आगे, राजनीति में नए समीकरण। उदयपुर में एसीबी के छापे, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौड़ के ठिकानों की ली जा रही तलाशी। जयपुर में ज्वेलर को लूटा, व्यापारी पर सरियों और डंडों से हमला, 1.25 करोड़ के गहने ले गए। कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में महिला डॉक्टर के अंडर गारमेंट चोरी, हेलमेट पहनकर घुसा बदमाश। अजमेर में बिना लाइसेंस के चल रही पनीर फैक्ट्री में मिली मरी हुई मक्खियां, 600 किलो माल जब्त। आरएलपी ने खींसर से प्रत्याशी किया घोषित, कनिका बेनीवाल को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने पूर्व मंत्री का टिकट काटा, 84 से कारीलाल उम्मीदवार, कांग्रेस के महेश रोत और बीएपी के अनिल कटारा से होगी टक्कर। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, झोटवाड़ा की विकास यात्रा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आधारित। मंत्री बोले, धावास अंडरपास से निम्बार्क मंदिर तक सड़क नवीनीकरण कार्य शुरू। दौसा में विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सिरोही में नेशनल हाईवे पर कार का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा, दीपावली पर आमजन और कॉरपोरेट घराने मिट्टी से बने उत्पादों को उपहार में दे। जयपुर में किन्नर के साथ मारपीट और लूट, 2 बाइक पर 4 बदमाश आए, सोने की चेन तोड़कर मौके से फरार हुए। भरतपुर में सड़क सीमा का मामला, हीरादास से सेवर सड़क के आसपास के लोग जिला कलेक्टर से मिले। भरतपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जन साहस्य संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मानसिक बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं विषय पर हुई कार्यशाला। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।